जैसे कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य किसानों की आय को दुगना किया जाए और बहुत क्रिस्टल क्लियर उनकी मंशा रहती है हमेशा। इस संबंध में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। गोरखपुर एक बहुत बड़ा महानगर है और बहुत फर्टाइल जमीन है, वहाँ फल फ्रूट सब्जियां बहुत होती है, बस उनके निर्यात के लिए आई वॉन्टेड कि एक एक्सपोर्ट हाउस की सरकार की माननीय मंत्री जी की मंशा क्या है और अगर है तो कब तक पूरा किया जाए। मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है एपिडा, उसके माध्यम से जो FPOs हैं, जो FPCs हैं, उनको पूरी तरीके से जो सहयोग प्रदान करना है वो किया जा रहा है। फार्मर्स कनेक्ट पोर्टल के जरिए से हमारे किसानों को एक्सपोर्टर्स से जोड़ा जा रहा है मार्केट लिंकेज उपलब्ध कराने के लिए। इसके साथ ही साथ जो आपने गोरखपुर का उल्लेख किया, मैं बताना चाहूंगी कि काला नमक चावल, उसका हमने निर्यात इस क्षेत्र से करना प्रारंभ कर दिया है। एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी एपिडा की एक भूमिका है और किसी भी प्रकार का एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एपिडा के पास सारे संसाधन उपलब्ध हैं। आपके यहाँ भी अगर किसी प्रकार के संसाधन की आवश्यकता है तो एपिडा के माध्यम से, या हमारे मंत्रालय की एक और स्कीम है टाई स्कीम, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, जिसमें हम 20 करोड़ तक का ग्रांट दे सकते हैं, उसके तहत उस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा सकता है। श्री गिरीश चंद जी,